गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ मी अनिकेत गुप्ता। सो आई एम कमिंग बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर ऑन बीएससी सेमिस्टर सिक्स्थ बॉटनी एंड बट इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ मेज प्लांट एंड आई हैड ऑलरेडी पोस्टेड अ वीडियो ऑन ओरिजिन एंड बॉटनी ऑफ मेज प्लांट, यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो एंड इफ you hadn't watched that video, I will provide you the link of that video in this video's description box. And also you should join the telegram channel of mine. Right now start karte hain. The topic is the cultivation of maize plant. As we know that the maize is a kharif crop and it is grown as a summer annual, right? So cultivation, sowing starts in June or July, right? So this is a summer annual and it belongs to the group of kharif crops, right? Maize cultivation consists of three procedures. First is the sowing, harvesting second, and the threshing is the third one, right? So as you know that the sowing is a process in which the seeds are sown in the field, right? So prior to sowing, the fields have to be plowed, weeded, and the seeds beds prepared before sowing, right? And the seeds are usually sown in July or June, about 1 to 3 inches deep into the soil, right? So this is the common method. We know that the sowing is a very important. अगर आप सो ही नहीं करोगे तो आपको क्या फसल मिलेगी, है ना? तो आप क्रॉप ही नहीं मिलेगी. So sowing is very important and the prior to sowing the fields should be prepared, right? For proper and healthy growth of the plant, manuring, constant watering and weeding is a must, right? Second method is the harvesting, right? A constant bright and warm sun produces a good crop which is ready for harvesting by September or October. So जैसे ही आपके बहुत ज़्यादा तेज़ सनशाइन, ब्राइट सनशाइन हमारे प्लांट को मिलती है, तो प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है और जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है तो दैट क्रॉप इज़ रेडी फॉर हार्वेस्टिंग एंड बाय द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर और अक्टूबर दिस हार्वेस्टिंग इज़ डन. द स्टेम्स आर कट विद द हेल्प ऑफ अ सिक्कल और कॉर्न नाइफ एंड देन स्टैक्ड इन अ हीप आउट इन द सन, राइट? सो हम क्या करते हैं, उन स्टेम्स को काटते हैं सिक्कल से, है ना? उसके बाद हम उसको एक ढेर लगा देते हैं बाहर धूप में, सन में. एंड दिस इज डन टू फर्दर राइपन एंड ड्राई द ग्रेन्स, सो दैट द ग्रेन्स के अंदर जितना भी वाटर कंटेंट है तो वो लूज हो जाए, वो ड्राई हो जाए, सूख जाए. After about a month of this curing process, the cobs are collected. एक महीने के बाद या 15-20 दिन के बाद जो है हम उनमें से cobs को collect करते हैं. And when the sheaths of the female flowers become brown, right? जब वो sheath जो हैं वो जो वो bracts होती हैं, जो bracts cob को cover करती हैं, जब वो brown color की या फिर ब्राउन कलर की हो जाएं, ठीक है, या फिर थोड़ी सूख जाएं, लाइट ब्राउन कलर की हो जाएं, तो उस टाइम पर हम उनको वहाँ से कलेक्ट करते हैं और ग्रेन्स जो हैं वो थोड़े हार्ड हो जाएं और गोल्डन येलो कलर के हो जाएं, राइट? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग. दिस इज़ द वेरी सिंपल प्रोसेस. सबसे पहले हमने क्या बोला कि कॉन्स्टेंट ब्राइट और वार्म सन जो है उससे अच्छी क्रॉप बनती है और उसको हमें सितंबर अक्टूबर के टाइम पे हम हार्वेस्ट कर देते हैं. स्टेम्स को काटेंगे बाहर हम धूप में उनका ढेर लगा देंगे. क्यों लगाएंगे? सो एज दे फर्दर राइपन एंड ड्राई द ग्रेन्स. After about a month of this curing process, cobs को collect किया जाता है. और कब collect किया जाता है? जब female flowers की sheath brown color के हो जाए और grain जो है वो hard और golden yellow हो जाए. This is all about harvesting.
नेक्स्ट इज़ द थ्रेशिंग ऑन कंप्लीट ड्राइंग ऑफ द कॉर्प्स. जब आपकी जितनी भी कॉर्प्स हैं वो पूरी तरह से सूख गई, दे आर थ्रेश्ड बाय हैंड और बाय मशीन्स, राइट. मशीन्स के थ्रू या हाथों के थ्रू उनको पीसा जाता है. द ग्रेन सेपरेटेड एंड स्टोर्ड अंडर वेल्ट मीन्स उस कॉर्प में से जितने भी ग्रेन्स हमको अलग करना है, ठीक है. ग्रेन क्योंकि कॉर्प्स तो किसी काम के नहीं होंगे, ग्रेन्स को हमें ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है ग्रेन्स के, है ना. ग्रेन्स को सेपरेट कर दिया जाएगा और उनको वेल वेंटिलेटेड कंडीशंस में हम उनको स्टोर करेंगे सो कि वो ख़राब ना हो. टू अलाउ अवेपोरेशन ऑफ एक्सेसिव मॉइस्चर, जितना भी मॉइस्चर है वो एवेपोरेट हो जाए और जो ग्रेन्स हैं वो ज़्यादा देर तक स्टोर रहें, ठीक है. और उन्हीं ग्रेन्स को हम विनोइंग करके, है ना, तो उनको ग्राइंड करके हम क्या करते हैं, कॉर्न फ्लोर भी बनाते हैं ना, मक्की की रोटी खाते हैं हम, तो वो हम करते हैं, ठीक है. सो कल्टीवेशन इज़ वेरी सिंपल. फर्स्ट स्टेप इज़ द सोइंग, देन हार्वेस्टिंग एंड देन थ्रेशिंग, राइट. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ मेज. मेज हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ यूटिलिटी ड्यू टू इट्स हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट. उसके एंडोस्पर्म में बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, प्रोटीन रिच होता है वो, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें, ठीक है. इट इज़ मेनली यूज एज फूड फॉर मैन एंड लाइफ स्टॉक. लाइफ स्टॉक जो है हमारे जो भी जानवर रखे होते हैं हमने, उनको भी हम इस देते हैं ये, और मैन के लिए भी खाने का एज अ फूड इसको लिया जाता है. जितनी भी सेमी राइप कॉब्स होती हैं उनको रोस्ट करते हैं और खाते हैं एज अ स्नैक फूड, है ना. सभी ने खाया होगा, मक्की खाई होगी, उसको हम पकाते हैं, है ना. जो भी सेमी राइप कॉर्प्स रह जाती हैं उनको फिर हम ड्राइंग नहीं करते हैं. अगर हम ड्राइंग करेंगे तो जो एंडोस्पर्म है वो हार्ड हो जाएगा और वो सीड्स हम नहीं खा पाएंगे. इसीलिए जो सेमी राइप होती हैं, ग्रीन ग्रीन कलर की ब्रैक्स जिसकी होती हैं, हम उनको कलेक्ट करते हैं और उसको हम रोस्ट करते हैं और एज अ स्नैक फूड उसको हम खाते हैं. द ग्रेन्स आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग कॉर्नफ्लेक्स. कॉर्नफ्लेक्स हम अपने ब्रेकफास्ट में खाते हैं तो वो भी इसके ही ग्रेन से मिलके बना होता है, विच इज़ अ पॉपुलर ब्रेकफास्ट सीरियल. फोर्थ इज़ द मेज हैज़ डाइवर्स इंडस्ट्रियल यूजेस. इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्न स्टार्च, ग्लूकोज, कॉर्न सिरप, डेक्सट्रिन्स एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल. इसको भी यूज़ किया जाता है मेज को इन सब की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, कॉर्न स्टार्च की, ग्लूकोज की, कॉर्न सिरप की, एट्सेट्रा. इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट ऑयल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल है जिसको हम कॉर्न ऑयल कहते हैं. इस तरह से हमने राइस में पढ़ा था ब्रैन ऑयल, ठीक है. तो आपने दोनों को याद रखना है. इट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम द एम्ब्रियोज एंड इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ लुब्रिकेंट, सोप्स, सैलड ऑयल्स, ठीक है. इनको बनाने के लिए, इनको इनकी प्रिपरेशंस के लिए हम कॉर्न ऑयल को यूज़ करते हैं. कहाँ से बनाया जाता है, जो एम्ब्रियोज होते हैं सीड के अंदर. Artificial fibers with tensile strength and wool-like properties are prepared from the protein zein. Very important. A protein named zein is obtained from this maize. So that's why इसका नाम है ज़िया maize. आप botanical name क्या है इसका, ज़िया maize. क्यों है, क्योंकि इसके अंदर से एक protein निकलता है जिसको हम बोलते हैं zein. Z-E-I-N and I have written here. इससे आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाए जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है. जो जो हमारे जो भी हम जब प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको बेयर कर लेते हैं. टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड वूल लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं, विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्रोटीन जीन प्रेजेंट इन मेज. द स्टॉक्स आर फाइबरस एंड यूज फॉर मेकिंग पेपर, यॉन एंड लाइट पैकेजिंग मटीरियल, ठीक है. स्टॉक से हम भूसा वगैरह भी बनाते हैं ना, तो ये सब चीज़ें हम, ये सब किसके अंडर आती हैं, यूजेस ऑफ मेज. सो दीज आर द यूजेस ऑफ मेज. एंड वन मोर थिंग, आपको यहाँ पर जो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आप इसको नोट कर सकते हो या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि एवरीथिंग इज विजिबल इन द स्क्रीन एंड आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है. अगर आपकी आप उसकी वीडियो क्वालिटी को चेंज करके आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, देन आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है. सो इसी के साथ आपका
फर्स्ट यूनिट से जो आपकी 1.1 है, सब यूनिट जो है 1.1 वो आज टोटली कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो देख सकता है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मैं आपको दे दूंगा, सारी की सारी एक जगह पर आपको मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं वो देख सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो रहेंगे हम नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, जो आपका 1.2 है आई थिंक। मैं सिलेबस को एक बार देख लूँगा और नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको आने वाले कल परसों तक मिल जाएगी। सो थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बेस्ट विशेज़।